हेलो गाइस, दिस इज रितु एंड वेलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग। गाइस, आज की वीडियो UGPG के स्टूडेंट से रिलेटेड है। आज की इस वीडियो में CCS यूनिवर्सिटी की तरफ से UGPG के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है, तो सभी इसे फुल उल्लासक जरूर देखेगा। वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर लेना जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो चलिए गाइस, फिर आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले पीजी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि चौधरी चरण सिंह और उससे जुड़े हुए कॉलेजों में पीजी और सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्सों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 22 अक्टूबर को पहली मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी, 22 से 23 अक्टूबर को प्रवेश लिए जाएंगे। जिन अभ्यर्थियों ने पीजी पाठ्यक्रम में रजिस्ट्रेशन कराया है वह अपने लॉग इन आईडी से ऑफर लेटर डाउनलोड कर जिस कॉलेज की मेरिट में उनका नाम आया है वहां जाकर सबमिट कराकर अपना प्रवेश ले सकते हैं। 23 अक्टूबर तक कॉलेज को पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए छात्रों के प्रवेश को कंफर्म करना पड़ेगा। तो गाइस, पीजी के स्टूडेंट की पहली ओपन मेरिट लिस्ट 22 अक्टूबर को आएगी और फिर वो अपनी लॉगिन आईडी से ऑफर लेटर डाउनलोड करेंगे, उस कॉलेज का नाम उसमें लिखेंगे जिस कॉलेज की मेरिट में उसका नाम आया है और अपना एडमिशन ले लेंगे उस कॉलेज में जाकर। 23 अक्टूबर तक सभी कॉलेजों को पीजी कोर्स में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है उनके एडमिशन को कंफर्म करना पड़ेगा। तो ये पीजी से रिलेटेड न्यूज़ थी। अब हम यूजी की न्यूज़ देख लेते हैं। गाइज, ये यूजी के लिए इन्फॉर्मेशन है और यूजी के लिए ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यूजी कोर्सेज के लिए पहली ओपन मेरिट लिस्ट आ गई थी और अब दूसरी ओपन मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अब दोबारा से रजिस्ट्रेशन खोला जा रहा है। 21 से 25 अक्टूबर तक अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के समय इस बार छात्रों को कॉलेज और कोर्स नहीं भरना है। इस बार जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको कॉलेज और कोर्स फिल नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद 25 अक्टूबर के बाद छात्र अपनी लॉगिन आईडी से ऑफर लेटर, ब्लैंक ऑफर लेटर डाउनलोड करेंगे और फिर उसमें अपनी इच्छा के अनुसार कॉलेज को फिल करेंगे जिसमें खाली सीटें हो। जिस कॉलेज में पहले से ही सीटें फुल हैं आप वो कॉलेज ऑफर लेटर में नहीं फिल करेंगे, क्योंकि जिस कॉलेज में सीट ही नहीं है वो आपको एडमिशन कैसे देगा। फिर उस कॉलेज में जाकर अपना ऑफर लेटर सबमिट कर प्रवेश ले लेंगे। और बीए एलएलबी और बीकॉम एलएलबी जो 5 ईयर वाले हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन की ये वाली प्रक्रिया नहीं है। उनके लिए रजिस्ट्रेशन की वो पुराने वाली प्रक्रिया ही है जो पहले चल रही थी, क्योंकि उनके रजिस्ट्रेशन अभी तक वो पहले वाले बंद नहीं हुए हैं। तो गाइस, CCS यूनिवर्सिटी से जो भी स्टूडेंट यूजी करना चाहते हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है। तो जो भी इच्छुक स्टूडेंट है वो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करके इस प्रक्रिया को समाप्त करके अपना एडमिशन फर्स्ट ईयर में ले सकता है। तो गाइस, यही कुछ अपडेट थी UGPG से रिलेटेड। अब इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। सो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।